सबल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। सूर्य कुमार यादव क्या अपने करियर का सबसे बेहतरीन कैच पकड़ा? Go to best angle for the catch, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. That's good there. Did you have any other angle from just behind, please? Thank you. Yeah, foot's inside there. Foot's inside there. Foot's inside there. Going up. Keep it rolling, please. Keep it rolling. Yeah, foot's inside there. Keep it rolling. Thank you. Ready with my decision for the big screen. ये कैच नहीं, ये मैच नहीं, ये ट्रॉफी हो सकती है। सूर्य को नमस्कार है, ये कैच चमत्कार है। कपिल देव, विवियन रिचर्ड्स क्या याद है? शायद वैसे ही याद रखेंगे डेविड मिलर, सूर्य कुमार यादव अंडर प्रेशर, भारत चैंपियनशिप के नजदीक। 400 मीटर का मैदान। लेकिन बात खड़ी हो गई विश्व कप ट्रॉफी जीतने के लिए सिर्फ इंचेस की। फुल टॉस गेंद थी, कहीं भी मार सकते थे मिलर, लेकिन मारा वहां पे जहां पे सूर्या खड़ा था। इसकी चमक में साउथ अफ्रीका पेचे रह गई, अपने आप को संभाला, बाहर गए, कैच पकड़ा और लगभग विश्व कप भी पकड़ा। भारतीय टीम के फैंस के ये रो इमोशन सामने नजर आते हुए। हार के जबड़े से हाथ डाल के निकाल लाए वर्ल्ड कप डेविड मिलर, बाय बाय, भारत जीत की ओर अग्रसर। हार्दिक पांड्या, और ये फिर एक और विकेट हो सकता था। भरसक प्रयास लेकिन विफल, और आज भारत जीत की कगार पे खड़ा है। हिंदुस्तानी दिल थाप के बैठे हैं उस जीत का इंतजार करते हुए हुए, और मुझे लगता है कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की, जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की, ये नारा गूंजना चाहिए। और चार गेंद में 12 रन क्या बनेंगे हार्दिक पांड्या के ऊपर? पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव, तारे सब उनके तेज मलिन हो गए। जो उन्होंने किया है, जो उस पल में किया है, वो सदियों याद रहेगा। और कई बार पल की गलती सदियों याद रहती है, लेकिन ये पल का सुधार सदियों याद रहेगा, क्योंकि भारत को जीत की तरफ अग्रसर। डॉट बॉल दबाव डालेगी और दबाव विकेट लेके आएंगे। क्यों इरफान, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। भारत अब सिर्फ 3 गेंदें दूर है विश्व कप की ट्रॉफी जीतने से। सिद्धूबा, क्या गेम हुआ है, फाइनल वर्दी गेम हुआ है। इससे बढ़िया मुकाबला नहीं हो सकता था। सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए अगर किसी ने सबसे महत्वपूर्ण कैच पकड़ा है तो वो सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है डेविड मिलर का। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, यही थी दरकार और यही हुआ। अरे भैया, अब हार्दिक के ऊपर पूरा दारमोदार, और मुझे लगता है कि देखिए देखिए ये इमोशन, देखिए ये जज्बा,
देखिए ये भड़कती भावनाएं, पूरा रंगमंच सजा हुआ है और दोनों टीमें अपराजित हैं अभी तक। बहुत ही बढ़िया बॉल, ग्रेट डिलीवरी, प्रेशर को पूरी तरह से स्पॉन्ज की तरह सोक करते हुए हार्दिक पांड्या कमित मैन। पूरा विश्व कप भारतीय टीम अच्छा खेली है, चाहे वो गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो। अगर विश्व कप जीतना है तो फिर ये अगली गेंद ना नो बॉल ना वाइड, बस आप किसी तरह से हार्दिक पांड्या डॉट बॉल निकाल दो, विकेट निकाल दो। रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की इस पूरे विश्व कप में काबिले तारीफ, उनके बगल में सूर्या अपना काम कर चुके हैं। भारतीय झंडा लहराता हुआ वेस्ट इंडीज के बारबाडोस के मैदान में, और ये झंडा शहीदों के खून से बना हुआ है, झंडा ऊंचा रहे हमारा हार्दिक। हीरे की शफा है तो अंधेरे में चमक, धूप में आकर तो शीशा भी चमका करता है, और मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जहां आप स्वाति नक्षत्र की तरह पानी की बूंद को मोती बना सकते हैं और चातक की तरह सागर के गर्भ से उठ सकते हैं, और स्वाति नक्षत्र की बूंद गर्भधारण करके उसे मोती बना सकते हैं। ये वक्त है, मौके के लिए तैयार रहना सफलता का रहस्य है। वाइड, और जो इरफान की एडवाइस थी उस पर शायद खड़े नहीं उतरे। उतावलापन नहीं, वेयर फर्मनेस इज सफिशियंट, रैशनेस इज अननेसेसरी। और भारतीय टीम के लिए सिद्धू पाजी ये अच्छी बात है कि रबाड़ा है बैटिंग पे, महाराज है स्ट्राइक पे, कोई भी प्योर बल्लेबाज है नहीं, तो उस लिहाज से राहत की सांस है गेंदबाजों को भी। रोको रोहित शर्मा, विराट कोहली रोको, ये रोक रहे साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने से। खुद जीतना है, खुद हाथ लगाना है वर्ल्ड कप ट्रॉफी में। राहुल द्रविड़ का यह आखिरी मुकाबला है बतौर कोच, ट्रॉफी ली जीतना चाहेंगे, खाली हाथ आना नहीं चाहेंगे। कांटों में रह के भी गुलाबों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष नहीं है। ये रोमांच को देखिए, ये खुशी को देखिए। अरे अरे अरे, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। दीवानगी की हद तक खुशी है भैया। झंडे दिए गाड़, खंबे दिए उखाड़।